राम राम सा किकर हो आप लोग, उम्मीद करूं हकरा बोला। तो दोस्तों आज मैं हूं अपने घरे और आज दीपावली रे दूसरा दिन सुबह उसर राम समारोह त्यौहार है। तो आज अपने घरे काफ़ी सारा मेहमान भी आयोड़ा है। आपने मेहमान रहा मेहमान मुलाकात ही करा वाला आप देख सको। काफ़ी सारा घर वाला और मेहमान और भाई लोग सब बैठा है और सभी लोग चाय पी रहा है। तो आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बनिया रहो। आज आप कट कट जान बड़ो रहो आशीर्वाद और छोटो रहो प्यार प्यार लाला। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बनाया रहो। अभी अपने पापा जी कने काफ़ी लोग भी आयोड़ा है आप देख सको ला रहे। तो अभी हमारे ताऊ जी के घर पर आए हैं दीपावली के सलामा समा करने के लिए। अभी चल रही है, देख सकते हैं हमारे ताऊ जी का घर है। अभी ताऊ जी तो पीछे सो रहे हैं तो अभी जाएंगे घर के अंदर। तो अभी हमारे ताऊ जी के घर पर आए हैं दीपावली के रामा समा करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारे जाल भाई है, ये सभी कैलाश भाई पीयूष भाई सभी बैठे हैं। तो ताऊ जी के घर पर मिठाई लेके आए हैं, देख सकते हैं आप। तो मिठाई लाने के बाद यहाँ पर चाय लेके आए हैं, चाय बनाई है। आप देख सकते हैं सारे चाय पी रहे हैं, मैं चाय पीता नहीं हूँ, सभी चाय का आनंद ले रहे हैं। अभी यहाँ से चाय पी के बाद में मेरे दादाजी के वहाँ जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। ये हमारे छोटा वाला भतीजे देख सकते हैं, ये हमारे छोटा वाला भतीजे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। तो फाइनली हम बाइक से उतर चुके हैं और हमारे दादाजी के घर पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं अभी खिड़की को खटखटाते हैं तो दरवाजा खुला है। तो ये देखो काकी जी भी आ गए हैं। तो जल भाई दीपावली आपकी कैसी रही? बढ़िया जोरदार रही भाई साहब, जोरदार रही आपकी दीवाली। पीयूष आप रखी रही दीपावली मन बताओ पता ही नहीं खा दिया नहीं बताओ क्यों रेडो कहीं हो ये गाड़ी अब बोला तेल भरो जी कहीं बोला पा मेले मेले अच्छी को अच्छी कोई बोला अब गला तो सुबह नहीं जा बोला है ना कहीं बोला अब बचन ही अकड़ बचन ही। अभी दादाजी के भाई के घर पे गए थे तो वहाँ कोई था नहीं क्योंकि दादाजी के भाई ट्यूबवेल पर रहते हैं और घर पर काका जी थे, वो काका जी भी कहीं गए हुए थे, काकी जी थे और हम पांच जने एक बाइक पे बैठे हैं और जा रहे हैं दादाजी के खेत में जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक खेत है। वहाँ पर रहते हैं रात को, वहाँ पर सेवा करते हैं और नील गाय की और पर्वत सागर कृषि फार्म नाम है उनका। तो अभी जा रहे हैं वहाँ। ये पर्वत सागर है जो देख सकते हैं, ये पर्वत के पीछे ही एनटीटी पेल है जो देख सकते हैं, आगे गवर्नमेंट की स्कूल है। तो फाइनली हम दादाजी के भाई के खेत पर पहुंच चुके हैं जो देख सकते हैं, वहाँ आगे उनका घर है, वहाँ चलते हैं। फाइनली हम दादाजी के पास पहुंच चुके हैं। ये दादी जी हैं, वो सामने दादाजी है, ये काका जी है और वो पीछे बुआ जी है, सभी के पास आए हैं आशीर्वाद लिया है। तो यहाँ दादाजी के यहाँ वाणिज्य बता रहे हैं किस टाइप से वाणिज्य पढ़ी जाती है और वाणिज्य में क्या क्या है। पोटक बाण हुआ उजियाला दिलरी में साया बेरी दारा अमृत बूंद जड़े कण मोती दीपक। तो यहाँ दादाजी के यहाँ बैठे हैं, आप देख सकते हैं ये उनका घर है और अभी खाना लेके आए हैं, खाना खाएंगे उसके बाद कहीं और जाएंगे। और छोटा वाला भाई गया है नमकीन लेने के लिए। तो फाइनली अपने घर पर आ गए हैं अभी दादाजी के भाई के वहाँ से और अभी सूर्य ग्रहण है, 4:22 पर लगेगा।
तो गाइस अभी सूर्य ग्रहण लगेगा तब घर के अंदर ही रहना पड़ेगा, घर से बाहर नहीं जा सकते। तो गाइस कैसी रही आपकी दीपावली, उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। मेरी दीपावली अच्छी रही, आपकी भी अच्छी रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।